और अनगर से। और आज की इस वीडियो के अंदर यकीन माने कि ये जो बोतल देख रहे हैं आप, हम लोग भी इसकी कटिंग कर देंगे एकदम बराबर गिलास के शेप का, वो भी इसे काट कर, और शीशे की जो बोतल है उससे सेम बराबर काटना तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। अगर प्लास्टिक का रहता तो हम लोग किसी भी नुकीले पदार्थ से काट देते तो आसानी से कट जाता, लेकिन ये जो शीशे की है इसे कैसे काटेंगे, है ना कमाल की आइडिया। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, उसी में देख लीजिएगा कि कैसे हुआ। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे पता है वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप अभी तक आप लोगों ने, प्लीज़ कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो सारा चीज़ चाहिए मैंने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन वो भाई साहब, अरे यार यू जो धागा चाहिए था वो धागा तो मिला ही नहीं। शायद भाई इधर आइए यार, इसमें लपेटने के लिए धागा चाहिए था, धागा तो लाए नहीं हम लोग। एक मिनट रुकिए मैं अभी लाता हूँ। जाइए लाइए। भाई साहब थैंक यू वेरी मच भाई धागा लाने के लिए। चलिए अब चलिए इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शायद भाई आप इस बोतल को पकड़िए। अरे भाई थोड़ा कम लपेटिए। अरे भाई ज्यादा लपना पड़ेगा, ज्यादा का काम है भाई। मम्मी डांटेंगी। ये क्यों भाई? क्योंकि मैं चुरा कर लाया है। चुरा कर लाए हैं? इसी से गुदरा सीती है, वही मैंने चुरा कर लाया है। ओ भाई साहब चुरा कर लाए, थोड़ी सी और लगा ले। अपनी मम्मी का नहीं, शमशेर की मम्मी का। वो हमको झगड़ा करेगी। तो रुकिए इतना ही बांध देते हैं भाई। एक काम करूं इसको बांध लेता हूं तो आप लेते चले जाओ। यहाँ से कट करने के लिए मुझे यहाँ पे आग लगाना होगा, जो कि मैं पहले मोमबत्ती में आग लगा दूंगा और उसके बाद से यहाँ पे मैं इसको आग दिखलाने की कोशिश करूंगा। मशक्कत के बाद ये जो गिलास है वो अपनी शरीर से टुकड़ा हो चुका है, यानी कि ये देखिए बहुत ही आसान है। और थोड़ी सी हमें तीन चार बार में ट्राई किया उसके बाद से ये कटा, लेकिन देखिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल। अगर ऐसे में ईटर से या पत्थर से फोड़ता तो इसे बराबर सेम आकार में नहीं फटता। ये देखिए गिलास के आकार का इसे कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका जो कोर है ये बहुत हार्ड है, शार्प है। बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।